इवेंट करने के कितने पैसे चार्ज? मैं तो वैसे भी बहुत कम अब आजकल शो कर रहा हूँ, फॉरेन के टूर है, शादी के बड़े बड़े इवेंट है, बस वो मैं करता हूँ। एक कव्वाली को कंपोज करने में कितना वक्त दरकार होता है, कितना वक्त लग जाता है? बात अगर कंपोजिशन की है या कंपोज करने की है तो ये तो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हुआ कव्वाली के बारे में, लोग कव्वाली सुनने की तरफ आए। चाहत फतेह अली खान की, जो कि बेसुरों के बादशाह हैं, मैं तो उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, अल्लाह ने उसकी रोजी का बहाना बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं वाइन। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, और आज खुसूसन ये लाहौर में मौजूद हैं, कव्वाली की बेहताज बादशाह हैं, शेर मियां दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल हमने देखा है कि कव्वाली जो है वो नौजवानों में काफी पसीराई जो है उसे मिली है, तो क्या समझते हैं कि ये असल कव्वाल जो है कमी है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लेफ्ट हो रहा है? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हुआ कव्वाली के बारे में, लोग कव्वाली सुनने की तरफ आए, तो ये तो अल्लाह की करम नवाजी है, शुक्रगुजारी है अल्लाह की कि लोग अब तो जिस तरह आज मैं इस कैफे में, हालांकि मैं कभी भी कैफे पे नहीं गया, डिपेंड ऑन पीपल कि वो किस तरह का सुनना चाहते हैं, कैसा सुनना चाहते हैं, सुर में सुनना चाहते हैं या आम सुनना चाहते हैं, तो डिपेंड ऑन जो सर हम देखा है कि लोगों पे काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है वो मकबूलियत है, लोग आपसे डिमांड्स कर करके जो है अपनी कव्वाली जो है सुन रहे हैं। हमने देखा कि मुआशरे में कहीं ना कहीं ऐसे भी नौजवान मौजूद हैं जो कि एक आजकल वीडियो वायरल हो रही है चाहत फतेह अली खान की, जो कि बेसुरों के बादशाह हैं, उनके बारे में क्या कहूँ? मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा, देखें उसकी किस्मत है, लग के उससे, मैं तो उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, अल्लाह ने उसकी रोजी का बहाना बनाया हुआ है, तो मैं तो खुश उसको भी देख के खुश होता हूँ। खुसूसन लोग जो हैं नौजवान, वो आपसे कौन सी कव्वाली जो है वो सुनना पसंद करते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को सुना दें? देखिए जी, कव्वाली जो हमारे ख़ानदान में हमारे बुज़ुर्ग करके गए हैं, मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दार खान साहब, उस्ताद मुफ़्ज़ल फ़ज़ली खान, उस्ताद बदर मियां दार खान, तो अब देख रहे जिधर जिस महफल में भी जाएँ उन्हीं की फरमाइश होती है, ठीक है, तो वो क्योंकि वो कलाम इतने मुस्तनद हैं, कंपोजिशन इतने मुस्तनद हैं, वो जो भी उसको गाते हैं अल्लाह पाक उस पर रहमत करते हैं। तो कौन सी ऐसी कव्वाली है जो नौजवान खुसूसन आपसे बड़ी डिमांड करते हैं? तो मिसाल के तौर पे काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो बड़ा कुछ है, क्योंकि मेरे भी हिट हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो ये मिक्स बन जाता है, कुछ लोग मेरी कव्वालियाँ सुनते हैं उससे बदल मियां दास साहब की या खान साहब मुफ़्ज़ल फ़ज़ली खान। तो क्या समझते हैं, हमने देखा है कव्वाली में इतना दिलचस्पी है लेकिन कव्वाली का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता, बेसिकली कव्वाली का बैकग्राउंड क्या है? देखिए नहीं, कॉल से कव्वाली है, दिल ने जो कॉल किया उसको बयान करना ये कव्वाली है, और जो इसको बयान करता है वो कव्वाल होता है, इसलिए हिस्ट्री है, और इसकी क्योंकि बुजुर्गान दीन ने जो कॉल कहे हैं जिस तरह से बाबा फरीदुद्दीन सादे सुल्तान बहुत सरकार है, बाबा मोहम्मद बख्श, बिल्कुल, तो जब हम वो कलाम बाबुल्ला शाह जब पढ़ते हैं तो अवेयरनेस होती है, क्योंकि वो सारे आरफाना कलाम, आरफाना कहते हैं जो पाकिज़ा है, जो अल्लाह से आपको मिला दे, जिस तरह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम मौला पंजन पाक है, जब ये पढ़ते हैं तो लोगों पे ऐसे असर अंदाज होता है। क्या समझते हैं, हमने देखा है कि एक कव्वाली जो है उसके अंदर उनको फूंकना बहुत मायने रखता है, एक कव्वाली को कंपोज करने में कितना वक्त दरकार होता है, कितना वक्त लग जाता है? तो बात अगर कंपोजिशन की है या कंपोज करने की है तो ये तो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है, कोई बंदा ऐसा भी है होते हैं बाजा लेके बैठे रहते हैं कोई आमद नहीं हो रही, कभी कभी इस तरह होता है कि ख्वाब में भी आ जाते हैं, तो ये तो फिर अल्लाह के करम पे डिपेंड है सारा कुछ, ये सब चीज़ें बनती हैं। हमने देखा कि जितने भी कव्वाल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है पैसे लेने वाले जो कव्वालों में शुमार होता है उनमें आपका नाम है, तो आप एक कव्वाली का इवेंट करने के कितने पैसे चार्ज करते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, मैं जो लवाजमात होते हैं उनसे चार्ज करते हैं, और मैं तो वैसे भी बहुत कम अब आजकल शो कर रहा हूँ, कस्बों में मेला वगैरह मैं नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ या मेरे
फॉरेन के टूर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, या शादी के बड़े बड़े इवेंट हैं बस वो मैं करता हूँ। तो नौजवानों को लास्ट पे क्या मैसेज क्या देंगे, और खुसूसन इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनके लिए क्या? जो रेस्टोरेंट ऑनर उनके लिए मेरी दुआ, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। आज उन्होंने मेरे और इवन मैंने काटा तो मैंने दुरूद पाक पढ़ा और उनके हक में दुआ की है, और अल्लाह खैर फरमाएगा। और बस मैसेज यही है, अगर माँ बाप हैं तो उनसे दुआएं लें, दुआ में असर है, अल्लाह पाक करवाएगा। मुझे ये बताइएगा कि आज चूँकि शेर मियाँ दाद साहब यहाँ पर मौजूद थे, कवाली जो है वो सुना रहे थे, तो कितना नौजवानों ने महसूस किया, और खुसूसन आपने कितना महसूस किया? बहुत इंजॉय किया, उनको देखने के लिए काफ़ी लोग आए थे और सब ने उनको देख के काफ़ी इंजॉय किया, और अल्लाह पाक बरकत डाले। आपकी फेवरेट कवाली कौन सी है जो आपने सुनी? वैसे मैं कवाली सुनती नहीं हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ही सुनी है, सभी अच्छी थी, मैंने कभी सुनी नहीं है। तो क्या समझती हैं, हमने देखा कि नौजवान नस्ल जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा कवाली का जो है वो ज़ौक है। हमने देखा कि एक तो होता है डिस्को डांस और डिस्को सॉन्ग्स वगैरह जो फास्ट सॉन्ग्स होते हैं उनकी नस्बत, हमने देखा कवाली के हवाले से ये सारे नौजवान यहाँ पर आए थे। जी जी, वो सब काफ़ी देर से वेटिंग पर थे, उनको पता था कि शेर मियाँ दाद आएंगे और उनको शौक है इस चीज़ का। ये भी अच्छी बात है कि इस दौर में भी कोई कवाली का शौक़ रखता है, वरना आजकल के लोग सिर्फ ये गाने वगैरह सॉन्ग्स को ही लाइक करते हैं। सो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है और मैं भी उनकी फ़ैन हो गई हूँ।